Good evening, everybody. हम्म तो हमको फटाफट फट आप लोग बताइए बहुत न्यूज है थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा आ, ये ऑपसेट इस ऑपसेट के बारे में आप लोग कुछ बताइए तुरंत ये ऑपसेट लिखा हुआ है ऑपसेट डायल्यूशन इन डिफेंस आप लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन रिलेटेड टू राफेल अच्छा तो राफेल से रिलेटेड है बात तो सही है कुछ और भी किसी कुछ बोलना है कुछ कुछ पेमेंट टू गवर्नमेंट नहीं दूसरे कंट्री, कंट्री कंपनी को उसका कुछ पेमेंट वापस इंडिया में इन्वेस्ट करो जब हम किसी कंट्री से सामान खरीदेंगे तो उसको भी खरीदना होगा हमारे ऐसा से नहीं ये नहीं है ये सूरज आपका जो है थोड़ा गलत है ये का ये आ, अच्छा हमको एक बात बताइए ऑफसेट क्लॉज से इंडिया को क्या फायदा था बस सीधा सा बात, से इंडिया को क्या फायदा एक आंसर हमको देख रहा है एफ डी आई और वेट कर रहे हैं आप लोगों का एफडीआई दो आंसर आ रहा है एफडी आई एफडीआई दो आंसर आया देख रहे हैं दिस से टेक्नोलॉजी सनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट एफ डी आई इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम राफेल खुद नहीं बना सकते नहीं बना सकते तो क्या हमें हमेशा हम खरीदते ही रहेंगे दूसरे देशों से नहीं हम आपसे सामान खरीद रहे हैं आप मेरे यहाँ पर उसका कुछ कॉम्पोनेंट बनाइएगा या मेरे यहाँ का कंपनी से आप आप टाइप कीजिए और टाइप करके और हमारे देश में आ, कुछ कंपोनेंट बना दीजिए या किसी कंपनी को टेक्नोलॉजी दे दीजिए ताकि वो भी कुछ बना सके और यहाँ से बना करके के बाहर देशों में बेचिए कुछ अपना अपना जो राफेल है कुछ यहाँ पे बना लीजिए तो इस तरह का अगर ये रहेगा तो मेन जो मतलब ये है ना कि डिफें ये डिफेंस में ऑफसेट का कारण ये है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होता है एक बात है स्टेट ऑफ आर्ट वो टेक्नोलॉजी आसानी से आप नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते ऐसा नहीं है कि आप आ, राफेल को खोल के देख लीजिए अरे ऐसा है चलो बना लेंगे ना ये ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है तो बात यह है कि राफेल आ जाएगा फिर क्या है हम डिपेंड में भी तो रहेंगे ना हम किसी भी कुछ भी डिफेंस में खरीदेंगे तो डिफेंस में खरीदेंगे हम कुछ भी तो Uh, हम तो फिर सर्विसिंग के लिए भी सामान ख़राब हो गया आप देख रहे हैं आपके घरों में जो भी सामान है आप खरीद आप जब सामान ख़राब हो जाए तो वही कंपनी का मैकेनिक और वही कंपनी स्पेयर्स देती है तो आप तो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो डिपेंड हो जाएंगे तो ये जो आप डिपेंडेंसी को थोड़ा सा लूज करने के लिए कि फ्यूचर में हमारे देश में भी वही टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी आ जाए उसके लिए आप बोलते हैं कि आप टेक्नोलॉजी लेकर के हमारे देश में आइए और पैसा लगे ही यहाँ पर और यहाँ से तो हमारा एक्सपोर्ट जो होगा डिफ्रेंस का बढ़ेगा इससे भले ही फॉरेन कंट्री होंगी वो यहाँ पर लगाएंगी यहाँ पे लगाएंगे एक्चुअली टाइप का रहता है फोर्टी नाइन फिफ्टी वन का रहता है तो आ, आप मतलब माइनॉरिटी स्टेक होल्डर रहेगा हमारा मेजोरिटी स्टेक होल्डर हमारा देश का रहेगा तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर हमारे देश का रहेगा तो कंपनी पर कंट्रोल जो होगा वो हमारे देश के लोगों का रहेगा टेक्नोलॉजी वो ले कर के आएंगे कैपिटल ज़्यादा हमारा रहेगा और ये मिला जुला करके ये काम हो जाएगा मेन मुद्दा यही है तो आप लोग बताइए फिर कि ये आ, अभी सरकार क्या चेंज की है आप ही लोग से क्वेश्चन पूछते रहेंगे अभी थोड़ी देर तक सरकार अभी क्या चेंज की है ठीक यानी कि एब इनिशियो अगर एक कंपनी से बिडिंग स्टार्ट होता है तो ये जो होगा ये ऑफसेट क्लॉज से नहीं लगेगा लेकिन एक और भी क्लॉज था साथ ही साथ एक और भी बात आप लोग मिस कर रहे हैं ठीक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होगा तो ऑफसेट क्लॉज नहीं लगेगा तो राइटर अब अच्छा अब बात यह है कि अभी आर्टिकल आप लोग समझ लेंगे ये राइटर लिख रहा है कि ज़्यादातर जो डील्स होते हैं दे आर एब सिंगल वेंडर पॉइंट नंबर वन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ऑफसेट अब आप लगाएंगे नहीं यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा नहीं पहले ही 300 करोड़ से ज़्यादा का अगर डील होता था तो इसमें ऑफसेट क्लॉज होता था उसको बढ़ा करके टू थाउजेंड करोड़ कर दिया गया पहले ही डायल्यूशन हो चुका है राइटर बोल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को झटका लगने वाला है मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन पूछ लिए है आप लोग से आंसर मिल गया है तो आप लोग इसको खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा हम आगे बढ़ रहे हैं डी आर डी ओ कई सारा मिसाइल टेस्ट किया इधर में हम लोग देख रहे थे सौर्य था और रुद्र था तो कई सर आप लोग देखें तो इसमें कुछ कुछ नाम लिख आया हुआ है कि कौन कौन सा रिसेंट टेस्टिंग हुआ है डेटा पर्पज हम रहने दिए हैं बाकी कुछ खास खास इसमें नहीं है बहुत कुछ जो है पहली बात हो चुका है आप लोग ब्रह्मोस को तो जानते ही है ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक मिसाइल ऑल थ्री वेरिएंट सरफेस टू सरफेस सरफेस टू एयर एयर टू एयर तो ये सारा का सारा वेरिएंट्स में आता है ये तो ब्रह्मोस का भी टेस्टिंग हुआ है सौर्य का नाम अभी पिछली ही बार आया था स्मार्ट टॉर्पीडो जो था उसका भी नाम आया था रुद्रम का टेस्ट आया था एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम आया था तो सब वही सब बातें इकट्ठा है रहने दिए है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक टेस्ट हुआ है उसका नाम है नाग ये एंटी टैंक जो मिसाइल हो होते हैं वो जो टैंक होते हैं टैंक पे अटैक करते हैं तो टैंक को बनाया इस तरह से जाता है ताकि उस पर अगर अटैक हो तो डैमेज नहीं हो लेकिन टैंक का जो ये मतलब आ, इतना मजबूत जो टैंक होगा उसको मल्टीपल डेटोनेशन से उसको उसको टैंक को बर्बाद करने के लिए ये एंटी टैक मिसाइल होते हैं नाक का टेस्टिंग हुआ है एक होते हैं लेज़र गाइडेड लेज़र गाइडेड में वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेज़र वहाँ पर दिया जाता है और वहाँ पे जाके वो हिट करता है और एक फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप फायर कर देंगे तो जाकर के टारगेट को हिट कर देगा तो ये नाग का भी रिसेंटली टेस्टिंग हुआ है इसके अलावा हम लोग इज़राइल से स्पाइक मिसाइल्स मंगाते हैं वो भी एंटी टैंक मिसाइल ही है पढ़िएगा हम छोड़ रहे हैं कि समझ में आ जाएगा एक वेसल आया है जो एंटी सब मैरिन वारफेयर में यूज होगा इसका नाम है कवरती तो ये भी इंडिया में कमीशनिंग इसका हुआ है चलिए ये सब न्यूज़ जो है हम छोड़ रहे हैं आगे बात करते हैं सी प्लेन आप लोग सुने होंगे कि सी प्लेन का एक प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हो रहा है पहले भी ये अंडमान में चल चुका है जल हंस करके लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं परमानेंट प्रोजेक्ट तो ये चलेगा कहाँ से ये चलेगा स्टेटस स्टेचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है वहाँ से ये साबरमती रिवर तक ये चलेगा और भी कुछ जगह इसको कनेक्ट किए जाएंगे अंबाजी और शतरुंजय डैम ठीक है ये सब कनेक्शन होंगे अब फ़ायदा क्या है कि जिस जगह पे आपको कहीं आप बस से या एरोप्लेन से उतरे और उतरने के बाद आपको जाना है स्टेचू ऑफ यूनिटी और वहाँ पर आपको जाने में टाइम लग जाएगा चार घंटा तो चार घंटा टाइम लग जाएगा तो यहाँ पर अगर आप सी प्लेन पकड़ेंगे तो ये टाइम आपका ड्रस्टिकली कम हो जाएगा सी uh, प्लेन वैसे एरिया में वहाँ पर जहाँ पर कि रनवे बनाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर समुद्र में ही ये uh, पानी में उतर सकता है तो ये पानी में उतरेगा 900 मीटर का इसको रनवे मिलना चाहिए पानी में ही और uh, सिक्स मीटर डेप्थ कम से कम होना चाहिए तो ये पहले भी न्यूज आ चुका है तो ये भी आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं हमको समझाने का कुछ नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इंडिया का जो सबसे बड़ा ब्रिज है रेल ब्रिज वो है बागी बिल बोगी बिल आसाम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये चालू हो गया है और जैसे कि दिल्ली का और डिब्रूगढ़ इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हंड्रेड किलोमीटर कम हो गया है तो जो ट्रेन चल रहा है वो ज़ीरो से उसका नंबर शुरू होता है अगर टू से शुरू होता तो राजधानी बोला जाता बट ज़ीरो से जीरो के बाद टू है तो ये राजधानी नहीं है इसको जीरो राजधानी करके बोल रहे हैं तो चलिए ये न्यूज थोड़ा ज्यादा नया है आ, मुद्दा ये है ये थोड़ा सा है इसमें काम का चीज मुद्दा ये है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो इनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं वो है चंद्रबाबू नायडू जो हार गए इलेक्शन में वाई ध्यान से सुनिएगा ये न्यूज हैं आप लोगों के लिए ए जगन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर लिखे है ये लेटर मीडिया के पास आ चुका है इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना पर आरोप लगाए हैं ध्यान से सुनते रहिएगा एनवी रमन्ना पर आरोप लगाए हैं कि ये जज हाई कोर्ट मेरा मतलब आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट में अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वहां पर जजेज का कुछ खास खास जजेज का बेंच खास खास केस में बनवा रहा है और मेरा जो काम सब है मेरे सरकार के अगेंस्ट में फैसले सुना रहा है और चंद्रबाबू नायडू के फेवर में फैसले सुना रहा है ये आरोप लगाए है मतलब मेन मुद्दा कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट का जज एन वी रमन्ना ये कौन जज है जो जज अगला साल चीफ जस्टिस बनने वाला है सी जी आई बोला ये गया है कि ये ये जज आंध्र प्रदेश में के हाई कोर्ट में इंटरफेयर कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस से और वहाँ पे किस जज को क्या मैटर मिलेगा मतलब बेंच बनने का तो उसमें ये मतलब एक तरह से कुछ अपने फेवरेबल आ, बेंच को कुछ खास खास मुद्दे जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को हेल्प किया जा रहा है और सरकार के अगेंस्ट फैसला सुनाए जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा न्यूज बन गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर सीधा का सीधा एक पॉलिटिशन आरोप लगाया है तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगन रेड्डी पर कार्रवाई होना चाहिए <coughs> कुछ लोग बोल रहे हैं कि एन वी रमन्ना का ही जांच होना चाहिए पेपर में बहुत कुछ नहीं छप रहा है कारण क्या है ना मतलब थोड़ा एंगल हम समझा दे रहे हैं कि Uh, आंध्र प्रदेश में अमरावती का प्रोजेक्ट जब जो कैपिटल बनाने का प्रोजेक्ट था जब प्रोजेक्ट नहीं uh, मतलब सोचा गया था तो उस समय में कुछ लोग मतलब इंसाइडर्स कहानी ये है कि कुछ लोग इंसाइडर्स अमरावती में ज़मीन खरीद ली है और जब डिक्लेरेशन हुआ कि अमरावती में कैपिटल बनेगा तो वो लोग विंडफॉल किए जैसे अगर पता चल जाए किसी को कि चांडिल में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लग रहा है तो पहले से पता चल छः सात महीने पहले और वो वहाँ पर जमीन वगैरह ख़रीद ले और जब जब छः महीने अनाउंस हो तो द, रेट भाग जाए और वहाँ आराम से बेच करके माला माल हो जाए तो ये एक केस है जो पिछली सरकार के दौरान में हुआ था इस केस में चंद्र जगमोहन रेड्डी की सरकार एफआईआर फाइल की है आंध्र प्रदेश का एक जज उस एफआईआर पर आगे काम करने से मतलब जगन रेड्डी की सरकार एफआईआर की है उस पर एफआईआर करने से सॉरी एफ पर बात आगे बढ़ाने जांच आगे बढ़ाने से मना कर दिया है रोक लगा दिया है और साथ ही साथ इस एफ का रिपोर्टिंग या इससे रिलेटेड मामले का रिपोर्टिंग पर रोक लगा दिया है और पहले जो रिपोर्टिंग किया गया है उसको वापस लेने का रिपोर्ट का फैसला दे दिया है मतलब इस केस पे एक तरह से एक स्टे आ गया अब ये ऐसा है कि इसके बारे में जिनको पता भी है बहुत कुछ वो कुछ नहीं बोल सकते पेपर साफ साफ लिख दे रहा है कि जजमेंट है इसलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं एफ वो बता रहा है कि एफ के का मुद्दा है लेकिन हम कुछ नहीं बोल नहीं पा रहे हैं तो ये ये जो है ये एक मुद्दा है मतलब मुद्दा को आप केवल और केवल पॉलिटिकल और जज का झगड़ा में नहीं देख सकते कहीं ना कहीं पे कुछ आ, कुछ धुआं निकल रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जगन रेड्डी का खुद का ही केस कुछ ऐसा है जिस पर कि जजेज जो है उनके अगेंस्ट में फैसला सुना सुना देंगे या सुना रहे हैं इसलिए जगन रेड्डी नाराज है जो भी हो मुद्दे हुए हैं मतलब मुद्दे हैं तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो ये एन वी रमन्ना बनेंगे चीफ जस्टिस अगला अप्रैल में जितना बात बोलते गए वो यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं हम्म वो बोले है जो जो बोले है बात कर रहे हैं रमन जस्टिस रमन्ना के बारे में जगमोहन रेड्डी कहना है कि कि जस्टिस चलमेश्वरम रिटायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में थे वो भी कनेक्शन कनेक्शन मतलब चंद्रबाबू नायडू का और रमन्ना का कनेक्शन के बारे में एडवर्स कमेंट कर चुके हैं आरोप क्या है कि दैट जस्टिस रमन्ना हैच थ्रू स्टेट चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस द सेलेक्शन ऑफ द रोस्टर एंड अलॉटमेंट ऑफ की पोर्टफोलियोज to a few judges close to tdp telugu desam party a decision of the cabinet appointing a special investigating team to investigate allegation of corruption against the previous tdp administration ज बिन स्टेक्ट हम बोले ना अब इस्टे कर दिया मतलब वो जो एस आई टी का जो इन्वेस्टिगेशन है करप्शन अगेंस्ट प्रीवियस टी डी पी एडमिनिस्ट्रेशन इसको हाईकोर्ट जस्ट मिनिट है थोड़ा बॉफरिंग करेगा तो टेंशन मत लीजिएगा चलिए शुरू करते हैं तो इसमें ये भी मैंशन किया गया है कि हाई कोर्ट हैज पास ऑर्डर नेगेटिंग स्लीव ऑफ की डिसीजन ऑफ जगमोहन रेड्डी गवर्नमेंट इन पास्ट एटीन शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल याद ही बता ही दिए सब आपको इनसाइडर नॉलेज लोगों को पता था अमरावती कैपिटल बनेगा खरीद लिए ओल्ड प्राइसेज मेक अलिंग खूब कमाए तो इसमें वो बत बोलते हैं कि डी डी श्रीनिवास प्रीवियस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्लोज रिलेटिव ऑफ जस्टिस रमन्ना ये जो अमरावती वाला कहानी सुना है आप लोगों को इसमें वो उनका कहना है कि जस्टिस रमन्ना के क्लोज रिलेटिव है डी श्रीनिवास वो भी इन्वॉल्व है तो अब राइटर आगे बोल रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस द एफ क्यों क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश जस्टिस जे के महेश्वरी एक ऑर्डर पास किए हैं जिसमें कि वो बोले हैं कि इन्वेस्टिगेशन रोक दो और गैग ऑर्डर इस एफ के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए तो ये है मुद्दा तो मुद्दा है तो अब बात यह है कि इस तरह का मुद्दा को कैसे डील किया जाता है तो 97 में जस्टिस जे एस वर्मा एक डॉक्यूमेंट बनाए थे उसको बोलते हैं री ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ तो इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया था कि जजेज से क्या उम्मीद की जाती है और फिर एक रेजोल्यूशन पास हुआ इन हाउस प्रोसीजर का तो इसमें क्या है कि जब किसी जज के अगेंस्ट में कोई आरोप लगाए जाते हैं तो एक बात अच्छा जज के अगेंस्ट में आरोप लगाए जाते हैं तो सीजीआई जो होगा हाईकोर्ट के जज में जज के अगेंस्ट में अगर आरोप लगाया गया है तो सीजीआई जो होगा वो चाहे तो उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दे मतलब कि जब देख ले मटेरियल जो है वो प्रिविलस है बेकार है अगर उसको सब्सटेंस मिलता है तो इंक्वायरी करा सकता है तो इंक्वायरी में कौन लोग होंगे तो दो कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उसमें एक जज होगा तो ये लोग इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट जो होंगे सी को देंगे अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो सी उसको बोल सकता है कि आप रिजाइन कर दीजिए ठीक आगे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या कर सकता है सी जी आई सीजीआई रिक्यूज कैसे करेगा सीजीआई के अगेंस्ट में थोड़े केस है सीजीआई जो है वो अगर जज रिजाइन करने से इंकार कर दे तो सीजीआई उस हाईकोर्ट के सीजे को बोल सकता है कि इनको कोई काम मत दीजिए हो सकता है क्या और भी कोई ऑप्शन है सीजीआई के पास उस अगर हाईकोर्ट का कोई जज के अगेंस्ट में मामला अगर सही पाया जाता है तो क्या कुछ और भी ऑप्शन है सीजीआई के पास तो सीजीआई के पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जजेज को हटा नहीं सकता वो अच्छा आगे बात करते हैं तो हाई कोर्ट का जज को हटा नहीं सकता तो कौन हटाएगा आप लोग बताइए ठीक है ये तो हटाने का पार्लियामेंट का है तो ये क्या कर सकता है कि ये सरकार को लिख सकता है कि ये जज को आप हटाने का कार्रवाई शुरू कीजिए लेकिन फिर तो पार्लियामेंट के हाथ में है इसके हाथ में कुछ नहीं है तो ये तरीका है अब इस आर्टिकल में आप हाईकोर्ट का जज का तो बोल दिए लेकिन इस आर्टिकल में अगर सी अगर हाईकोर्ट का सीजे हो अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो अगर आ, अगर आ, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट में कंप्लेंट हो तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा अगर सी जी आई के अगेंस्ट में हो तो क्या होगा ये सारी की सारी बातें डील की गई हैं तो आ, आप पढ़ेंगे क्योंकि तो हम तो पॉलिटिक क्लास में पढ़ाएंगे ही तो हम इसमें फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ आपका काम है पढ़ना अगर देखिए हम बहुत कुछ छोड़ करके जा रहे हैं तो छोड़ते मतलब आ, ब्रीफ में बोल रहे हैं अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे मेरे से आगे बढ़े आ, सरकार जो है वो नया जो वेज बिल लाई है उस वेज बिल में एक क्लॉज लाई है वो क्लॉज ये है कि जो पर्सन सेक्सुअल एब्यूज का चार्जेज का दोषी होगा उसको बोनस नहीं मिलेगा चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकारी कंपनी हो उसको बोनस नहीं दिया जाएगा सेक्सुअल एब्यूज़ का उसके ऊपर में चार्ज अगर हो तो सॉरी कन्विक्ट हुआ हो, हो तो बट कन्विक्शन क्या है ये इसमें डिफाइन नहीं है क्योंकि जिन कंपनियों में शायद दस से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं उनमें एक रूल है कि उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होता है यानी कि अगर वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस होता है तो खुद कंपनी इन्वेस्टिगेट कराती है कि क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है और ये अगर दोषी मान ले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो माना जाता है कि जैसे सिविल कोर्ट दोषी पाया है तो क्या इस स्टेज में जब कोर्ट से एक्चुअली अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है तो क्या इस स्टेज में आ, ये आ, बोनस नहीं मिलेगा ये एक सोचने वाला बात है कि अभी वो वो क्लैरिफाई नहीं है दूसरा वो क्लैरिफाई नहीं है कि क्या कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो तब ये काम करेगा ये या फिर बाहर का भी सेक्सुअल एब्यूज इसमें काउंट होगा ये भी क्लियर बात नहीं है हाँ लेकिन ये क्लियर है कि अपना कलीग कोवर्कर के साथ अगर घर से बाहर भी अगर सेक्सुअल अब्यूज किया गया है तो इसमें ये काउंटिंग होगा यानी बोनस नहीं मिलेगा तो मॉनिटरी मॉनिटरी जो है ये डिसन करने का कोशिश किया गया कि लोग सेक्सुअल अब्यूज से बचें। Uh, अगर वो इम्पीच नहीं होता है तो पोजीशन पर बना रहेगा लेकिन जैसा हम बताएं सी इंस्ट्रक्शन देगा कि इस जज को काम नहीं दिया जाए तो काम नहीं मिलेगा उसको वो यूं ही जाएगा कोर्ट में कोर्ट में बैठेगा क्योंकि इस मिसकंडक्ट है तो फैसले तो गलत सुनाएगा आगे बढ़ते हैं हम राखी वाला घटना बता ही चुके आप लोगों को कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो हाँ भी हाई कोर्ट में नाइन फीमेल एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट गई है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है ये इज ट्रिविलाईजेशन ऑफ ट्रामा कि एक कल्प्रिट है वो कल्प्रिट इस लेडी के घर में घुसता है फॉर सेक्सुअल अटैक और लॉ बोलता है कि एक्यूज्ड और विक्टिम इन दोनों को आसपास नहीं आने देना है लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्ती है कि एक्यूज विक्टिम से उस जगह पे मिलेगा जो क्राइम का एक्चुअली सीन है और वो लड़की को राखी बांधने देगा साथ ही साथ उसको वो सब कुछ बता दिया गया ग्यारह हजार का गिफ्ट भी देगा साथ ही साथ उसके बेटे को पांच हजार का गिफ्ट देगा साथ में कपड़े और कुछ मिठाई उठाई भी खरीद देगा तो ये आ, फैसला था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अगर बेल चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा तो अभी तक स्टे नहीं लगा है बट ये जो आ, ये है कुछ एडवोकेट्स हैं ये पहुंची हैं कि ये मतलब विक्टिम का जो आ, ट्रामा है वो दैट इज ट्रिविलाइजेशन जैसे कि बच्चों का झगड़ा होता है हम खट्टी मिट्टी करा देते हैं या चलो हाथ मिला लो तो उस टाइप का यहां पे दिख रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन पूछ रहे क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इंडिया में प्रॉस्टिट्यूशन वैश्यवृत्ति क्या ये लीगल है या हाँ क्या ये लीगल है ठीक है ये जो है इट इज यस इट इज इलीगल तो लीगलिटी uh, थोड़ा सा है माइनर अगर कोई लेडी अपने घर में अपने घर में कर रही हो तो लीगल है बट दैट इज वेरी फाइन पॉइंट उसको छोड़ देते हैं हम लोग बट इट इज़ इलीगल यस ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक मुद्दा है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप अगर सोचेंगे तो आपको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि करना क्या चाहिए बहुत मुश्किल है और यही हाल हुआ है हुआ यह है कि हमारा जो नेशनल देखिए अब इसको थोड़ा समझाते बात मुद्दा ये है ना कि इस लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हैं बहुतों का रोज़गार छिन गया है जो स्ट्रीट वेंडर हैं जो सामान लगाते थे चाय बेचते थे गोलगप्पा बेचते थे वो उनके उनका इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारे जो डॉक्टर्स में जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उन डेंटल डॉक्टर्स का बुरा हाल है आप देखे ही कि जो जो ये ब्यूटी पार्लर्स या सैलून हैं ये इनके ओनर या इसमें काम करने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो जो हुआ तो हुआ ही तो दिख ही रहा है तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ये आए तो इसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम इन लोगों को भी आया जो सेक्स वर्कर्स है आ, क्योंकि सीधा सा बात है कि इलीगल तो है इसमें तो सरकार को रोकने का भी ज़रूरत नहीं है सरकार के हिसाब से तो प्रतिबंधित ही है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रतिबंधित अगर सब कुछ इलीगल ही था तो भी लोग जाएंगे नहीं क्योंकि आ, डर है कि बीमारी हो जाएगा तो बात यह है कि इलीगल तो है लेकिन एक बात और भी है कि क्या सरकार इसे आंख बंद कर ले कि ये तो इलीगल काम है और वो लोग परेशान है तो तो इलीगल काम करते थे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कहना है कि सारे के सारे सरकारों को ये एडवाइजरी दिया है कि आप लोग जो सेक्स वर्कर्स है उनको टेम्प्रोरी कुछ रजिस्ट्रेशन करके कि आ, कौन लोग हैं और उनको आ, कुछ जो जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनको फायदा दीजिए तो ठीक है ये भी एक मुद्दा है कि वेलफेयर प्रोजेक्ट का फायदा दिया जाए अपने आप में ठीक है लेकिन तब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इट इज लाइक लीगलाइजिंग ऑफ सेक्स वर्क कि सरकार मतलब मानती है कि सेक्स वर्कर होते हैं और उनको वो जब देने जाएगी तो फिर क्यों ना उन वो क्रिमिनल केस करके या उनको क्योंकि इट इज क्रिमिनल तो उनको क्यों ना फिर हटाया जाए यहाँ से इस काम से अब जो ब्रोथल्स हैं जो वैश्यवृत्ति के जगह है अगर सरकार वहाँ देने जाएगी तो सीधा से क्वेश्चन उठेगा कि क्यों ना उसको आप बंद क्यों नहीं कर दे रहे हैं तो ये बड़े डायल वाले बातें हैं तो खुद जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है इसमें दो साइड में बट गए हैं मतलब एक ग्रुप बोलता है हाँ इनको रिलीफ मेजर्स का इनको ही फ़ायदा मिलना चाहिए दूसरा ग्रुप बोलता है कि ये पहला स्टेप है इसका लीगलाइजेशन करने का कि सरकार बाद में इसको मतलब यहाँ से लीगलाइजेशन शुरू हो जाएगा तो दो ग्रुप बटे हुए हम इतना ही बोल सकते हैं इस पर बैलेंस uh, बनाना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट तो बोल रही है कि इशू टेम्प्रोरी डॉक्यूमेंट्स मतलब सेक्स वर्कर है मतलब सरकारी जहां सरकार इन्वॉल्व हुई तो फिर सरकार का ठप्पा लग जाएगा ये भी बोल रहे हैं पढ़िएगा बाकी समझ में आ जाएगा टनिस्क तो का तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए यहां पर कि आप लोग एडवर्टिजमेंट देखे होंगे या अगर आप लोग थोड़ा स्लो हैं तो आपका देखने से पहले आंख से निकल गया होगा क्योंकि फाइनली टाटा ग्रुप जो है इसको वापस ले लिया तो इसमें आ, मुद्दा ये था बहुत बार बोल चुके हैं भैया एक बार दो बार बोले होंगे बट फिर से बोल दे रहे मुद्दा ये था कि एक मुस्लिम अफ्लुएंट फैमिली बिल्कुल अफ्लुएंट अपुलेंट बहुत पैसा वाला फैमिली में एक हिंदू लड़की हिंदू लिबास में दिखाई जाती है घर में सामान सजे सज रहे हैं बड़ा अच्छा खासा महल जैसा घर है और सास जो है वो मुस्लिम दिख रही है पीछे में कुछ मुस्लिम्स बैकग्राउंड में आपको दिखेंगे और ये लड़की प्रेग्नेंट दिखती है और ये पूछती है सब क्या हो रहा है तो फिर वो उसकी सास बोलती है कि ये तो गोद भराई के लिए यहाँ पर रस्म होगा तो ये लड़की पूछती है कि आपके यहाँ तो रस्म नहीं होता आप तो मतलब जैसा मुस्लिम है तो फिर वो बोलती है कि अपनी बेटी को खुश रखना तो हर हर धर्म में होता है ऐसे करके है तो ये था एडवर्टीजमेंट इस पर इतना हंगामा हुआ ख़ास करके ट्विटर वार होता है इस पर ट्विटर में लोग टूट पड़े कि लव दी लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है आजकल ये तो बहुत बड़ा एक वर्ड हो गया है तो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है और इसको बंद कर देना चाहिए मतलब तो एडवर्टीजमेंट इवन बात यहीं पर नहीं रुका बात ही हुआ कि गुजरात में का शोरूम पर अटैक हुआ मध्य प्रदेश में का शोरूम पर अटैक हुआ और फाइनली ये जो था एडवर्टीजमेंट को वापस ले लिया गया सोचने वाले बहुत तरीके से सोचते हैं इस बात को रख दे रहे हो बात बात यह है कि हिंदू ग्रुप बोलते हैं कि हिंदू घर में मुस्लिम लड़की को क्यों नहीं दिखाया तो ये मतलब वो ऐसा उल्टा ही क्यों तो है अपना अपना मुद्दा है लोगों का आ, लेकिन मुद्दा ये भी है साथ ही साथ कि कि क्या हिंदू घर में मतलब कॉमन हिंदू घर में क्या मुस्लिम लड़की आ, को लाने दिया जाएगा ये भी बहुत एक बहुत बड़ा एक इशू है जो सोचना चाहिए विरोध करने से पहले ये इट इज क्वाइट डिफिकल्ट अगर मुस्लिम लड़की के लिए किसी हिंदू शादी करना डिफिकल्ट है तो ये भी डिफिकल्ट है कि घर में एक्सेप्टेंस मिल जाए जो मुस्लिमों में जनरली मिल जाता है तो खैर लव जिया का आगे न्यूज आएगा तो इसलिए थोड़ा सा बोल दे रहे हैं लव आज जब हम सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं अगर हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ सोसाइटी है हिंदू हैं और मुस्लिम हैं और मुस्लिम्स थ्रू अ प्लान हिंदू लड़कियों को रिझा लेते हैं और या तो उनको सेक्सुअली एक्सप्लोइट करते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ का भाषा था या फिर शादी करते हैं तो मुस्लिम में कन्वर्शन होता है तो इस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं मतलब एक थिंकिंग है आपको ऐसे भी इंस्टेंसेज मिल जाएंगे जबकि हिंदू घर में मुस्लिम लड़कियों का शादी हुआ है कोई बहुत अनयूजअल बहुत अनयूजअल नहीं है लेकिन तो फिर लेकिन यही बात है कि कई सारे मुस्लिम इस बात से नाराज हो जाते हैं कि आ, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में क्यों गई मतलब इससे जैसे इज्जत का सत्यानाश हो गया जब लोग ऐसे सोचते हैं ना तो वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को बिल्कुल बिल्कुल नकार देते हैं क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिम शादी करेंगे तो नेचुरली अपने से करेंगे और अपने से करेंगे तो नेचुरली अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट फैक्टर जो है वो अटैचमेंट फैक्टर को बिल्कुल हटा करके एक एक तरफ में एक नीरी बोली भाली हिंदू लड़की होती है जिसको ये षड्यंत्र समझ में नहीं आता और एक तरफ में एक बहुत ही स्कीमिंग बहुत ही वर्ड नहीं मिल रहा है बहुत षड्यंत्रकारी और सातिर एक मुस्लिम लड़का होता है तो सीधा साधा मुस्लिम सीधी साधी मतलब मुस्लिम लड़का सीधी साधी हिंदू लड़की या सातिर हिंदू लड़की सीधा सीधा मुस्लिम लड़का और समथिंग समथिंग ये सारे रिकॉमिनेशन्स नहीं होते तो ये चूंकि इसमें जिहाद जिहादी इसलिए एक ही साइड से आपको लिए लेकिन मुस्लिमों का अगर बात करें उसी तरह से अगर उधर से हो तो वो भी कुछ इसी तरह से सोचते होंगे हम लोग ह्यूमन बींग हैं एक ही तरह से सोचते हैं तो ये खैर ये मुद्दे जो है हाँ कनिंग तो ये जो मुद्दे हैं ये आएंगे अभी काफ़ी हरियाणा में लॉ बनने वाला है लव जिहाद का अगेंस्ट में ये जैसे जैसे ये एक रियलिटी है लव जिहाद और यूपी में सुन रहे कानून बनने वाला है ठीक है देखा जाएगा तो खैर एक स्टडी हुआ है कि इंटरफेथ मैरिजेज का भारत में क्या हालत है तो दिखाते हैं इंडिया में बहुत 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 कम बहुत ही कम मतलब कि ओनली टू पॉइंट टू वन परसेंट ओनली टू पॉइंट टू वन परसेंट जो मैरिड वेमेन का यहाँ पर स्टडी हुआ है वो इंटरफेथ मैरिज है ठीक यानी इंडिया में इंटरफेज फैथ मैरिजे जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल कम है और अर्ली एज में ज़्यादा है मज़ेदार बात यह है अर्ली uh, एज में ज़्यादा है और जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे चांसेज कि इंटरफेथ मैरिज होगा इसके चांसेज जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं तो अर्बन एरिया में ये 2.9 परसेंट है और रूरल एरिया में 1.8 परसेंट देखिए एक एक थोड़ा सा बात करें कि कैसे लोग सोचते हैं और तो ये लव जिहाद बन जाता है जैसे एक सोचिए एक चलिए मतलब हाइस्ट हा, हाई, कास्ट कास्ट लेते हैं ब्राह्मण घर में एक आ, कोई लड़की किसी और कास्ट का लड़का से शादी करना चाहती है बहुत अटैच है मतलब उसको अगर उस लड़का से दूर कर दिया जाए तो वो डिप्रेस हो जाएगी मतलब लगता है कि वो सुसाइड ही कर लेगी लेकिन घर वाले समझा रहे हैं अरे एक से एक लड़का मिलेगा ठीक एक से एक लड़का मिलेगा फिर अरे वो क्या है वो कितना कमाता है चालीस हजार कमाता है पचास हज़ार कमाता है अरे तेरा शादी हम दो लाख कमाने वाला से कर देंगे तो इस पूरा का पूरा डिबेट में वो अटैचमेंट जो है वो गायब हो जाता है कोई भी लड़का मतलब लड़की को लड़का चाहिए उसके लिए मैटर नहीं करता है कौन कोई भी तो ये मतलब थिंकिंग जो है ना ये खास करके मतलब जो लोग इस तरह से सोचते हैं उनके दिमाग में ऐसे ही चलता है आगे बढ़ते हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो है इंटरफेथ मैरिज वो इंडिया में क्रिश्चियन लोगों में है और सेकंड में आते हैं सिख अब ये सिख वाला जो परसेंटेज है ना इसके पीछे रीजन है सिख सबसे ज्यादा करते हैं अच्छा बात कर रहे हैं सिख का परसेंटेज ज्यादा है थ्री पॉइंट टू कारण ये है क्रिश्चियनिटी का नहीं बोल सकते हो सकता है लिबरल हो इसलिए लेकिन सिखों का सबसे ज्यादा परसेंटेज मतलब इसमें ज्यादा निकलने का कारण यह है कि सिखों और हिंदुओं का मैरिज जो है वो थोड़ा कॉमन है क्योंकि रीति रिवाज एक जैसे हैं तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है सिख का और हिंदू का मैरिज का तो ये रीजन है एक और हिंदुओं में ये देखिए विमेन का बात हो रहा है केवल ध्यान रखेगा हिंदू में वन पॉइंट फाइव परसेंट वेमेन जो है वो इंटरफेथ मैरिज करते हैं वन पॉइंट फाइव मुस्लिमों में और भी कम है पॉइंट सिक्स यानी डबल से ज़्यादा का फर्क है तो कहीं ना कहीं पर कुछ परेशानियाँ हैं जो रिलीजन में इतने इतने फर्क दिख रहे हैं बट स्टिल क्वान्टिटी इज वेरी वेरी लो तो आ... पंजाब में सबसे ज़्यादा मिक्स मैरिज है बता ही दिए क्यों सेवन पॉइंट एट परसेंट और झारखंड में मजेदार बात है झारखंड में मिक्स मैरिज ज़्यादा है फाइव पॉइंट सेवन परसेंट आंध्र प्रदेश में फोर पॉइंट नाइन परसेंट और सबसे कम कहाँ कहाँ पर बंगाल में छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ठीक है तो एक हम लोग को एक डेटा मिल रहा है जिहाद का मतलब होता है अगर देखा जाए तो, तो कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिहाद का मतलब होता है एक अगर एक एंगल ले तो काफिरों के खिलाफ में आ, में लड़ाई करना काफिरों से जो अल्लाह को नहीं मानते हैं दैट इज जिहाद एक बोलते हैं जिहाद का एक मीनिंग है ये है हार्ड जिहाद मतलब इसका हार्ड डिफिनेशन जिहाद को कई सारे मुस्लिम डिफाइन करते हैं कि अगर आ, कोई मुस्लिमों को उनका धर्म मानने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो अगर उनसे आप युद्ध करेंगे तो दैट जिहाद, दैट दिस इज लिबरल इंटरप्रटेशन जब हम कश्मीर में थे ना तो एक पुराना टेररिस्ट जो था वो आया था मतलब आते रहते थे हर सप्ताह में पुराने वाले 20-25 आते थे हाजिरी देने के लिए तो एक आया बात करते थे कभी कभी तो बोले कि अपना बताओ क्या कैसे टेररिज्म कैसे कैसे किया कैसे छोड़ा बोला कि गए थे पाकिस्तान तो वहाँ पे पता है कि आ, मतलब नाइन्टीज में नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव के बीच में लगभग सारे लड़के पाकिस्तान गए थे लगभग सारे मतलब शायद ही कोई होगा जो पाकिस्तान नहीं गया होगा तो ये पाकिस्तान जा के और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ज़्यादा नहीं बीस पच्चीस दिन का ट्रेनिंग लेकर के वापस आते थे और यहाँ हथियार लेकर के आते थे तो वो, वो बोला कि गए थे वापस आए फिर छोड़ दिए बोले फिर मतलब गया क्यों और छोड़ा क्यों बोला कि उस हम लोग को बताया गया कि ये जो काफ़ी लोग हैं मतलब भारत की सरकार और जो भी ये कश्मीरी पंडित इन लोगों के खिलाफ में जिहाद कर तो जिहाद का हिसाब से चलेगा तो फिर वैसे छोड़ा क्यों तो बोला कि यहाँ हम लोगों को कश्मीर में हम लोगों को कौन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है या अपना रोज़ा रखने से मना कर रहा है तो जिहाद क्यों करे जब हम लोगों को रुक टुक है ही नहीं तो दोनों इंटरप्रटेशन बता दिए एक तरफ में एक हार्ड है कि कोई भी काफिर है तो उसे लड़ जाओ दैट इज जिहाद तो अब यहाँ पे क्या है ना ये तो इन्वेंटेड वर्ड है लव जिहाद उर्दू जिहाद आजकल जिहादी जिहाद है वो सुधीर चौधरी ज़्यादा बताएगा आपको तो कि जैसे मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पर मतलब अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं तो एक आर्टिफिशियल एक डर है डर का माहौल पैदा किया जा रहा है गांधी जी आ, का मानना था कि इंटर रिलीजियस मैरिजेज होने चाहिए आ, और उनका ये भी कहना था कि जब शादी करते हैं धर्म आपस में धर्म के लोग तो अपना अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए ये गांधी जी अपना अपना फिलॉसफी लगाते थे बोलते थे कि मतलब दो धर्म वाले मैरिज करें और अपना ही अपना धर्म में रहें तो मतलब एक अच्छा इंडिया बनेगा तो खैर गांधी का देश कहाँ बन पाया चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखिए एक आ, कभी कभी मेरा थॉट जनरली लोगों से थोड़ा भी मेरे हिसाब से तो आगे ही निकल जाता है तो पचा नहीं पाते इवन यंगस्टर्स भी नहीं पचा पाते लगता है कि कभी कभी लगता है कि जो एक ऐसा हम लोग के टाइम में हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादा रिग्रेसिव थे मतलब कि ऑर्थोडॉक्स थे शायद हमारा जनरेशन जो था वो ज़्यादा लिबरल था लेकिन अब ऐसा आ गया है कि हमारे पीछे वाले जो जनरेशन है दे आर मोर ऑर्थोडॉक्स ये पीछे रिग्रेशन पीछे पीछे जा रहा है तो ये सब बात सुन करके कि धर्म के बीच में शादियाँ होनी चाहिए जब कभी हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को मतलब वो नहीं पच पाता है तो खैर एनी anyway, मतलब ये भी एक कंडीशनिंग टाइप का है कि आप बचपन से क्या सुनते हैं क्या समझते हैं उस पर भी डिसाइड होता है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या सुन सकते हैं चलिए खैर आगे बढ़ते हम लोग तो ये जो है आ, कूल ब्लॉक स्कैम एक हुआ था इसमें बहुत इसको बोलते हैं मदर मतलब ऑल स्कैम बोलते हैं मतलब कि कोल ब्लॉक का ऑक्शन हुआ था उस ऑक्शन में कुछ शर्तें रखी गई थी कि कि किस बेसिस पे दिया जाएगा कोल ब्लॉक का एलोकेशन होगा जैसे कि वो कंपनी को दिया जाएगा जो कंपनी कम से कम साल में थाउजेंड मेट्रिक टन बनाती हो आयरन एंड स्टील तो उस उन जो ये थे जो बिडिंग की जो शर्तें थी वो शर्तों को चेंज करके और अगर किसी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि करप्शन हुआ है तो हमको एक बात बताइए कि बिडिंग में हाईएस्ट प्राइस लेना क्या सरकार के लिए हमेशा ठीक है सना सना आंसर की है रीजन भी बताएगी क्यों तो जो भी बता रहे हैं नो नो लोग रीजन भी बताइए रीज़न भी बताइए अच्छा ये जो है जो लोग ये आंसर किए कुछ लोग दिखा आंसर किए कि आखिरकार अगर कोल का दाम बढ़ा देंगे अगर हाईएस्ट प्राइस लेंगे बहुत तो क्या होगा कि जो स्टील कंपनियां यूज करेंगी स्टील का दाम भी बढ़ा देंगे तो कई बार क्या होगा वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो ये जो बात था अभी जो हम बोले ये बात आप लोग हाल में क्यों सुने थे हाल में वाला बात सुने थे क्यों सुने थे ठीक है ये था ऑक्सन थ्योरी तो ये हमारे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह हीजा एनिका इकोनॉमिस्ट रिनोन्ड तो इनका वही सब ये बोल रहे हैं ये बोल रहे थे कि कैग बोला था कि लॉस हो गया बट ये बोलते थे कि कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उस समय में ये बोलती थी कि अगर बिडिंग होगा अगर बिडिंग होगा तो बीडिंग अगर होगा तो फिर जो वैल्यू एडिशन होगा यानी कंपनियां जो इसको खरीदेंगी वो कम होगा और आ, ये एक वो मतलब प्रॉब्लम दिखाए दूसरा बात कि अगर सस्ता में भी बेच दिया ही जाए अगर कोल ब्लॉक को तो उसमें प्रॉफिट सेलिंग ट्वेंटी सिक्स परसेंट था तो उसका एक हिस्सा तो गवर्नमेंट के पास वैसे भी वापस आना ही था तो ये सारे मुद्दे हैं तो पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज में देखिए आपको पता है कि अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या गवर्नर को अगर स्टेट गवर्नमेंट सोचिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं आज के दिन में आ, जो ये है अर्णव गोस्वामी इसको पकड़ लिया गया आ, आज तो वीडियो आया है तो ये बताइए आप लोग कि क्या इस तरह का काम में गवर्नर को कुछ बोलना चाहिए या कुछ इंटरफेयर करना चाहिए ठीक है मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है वो ना ही आएगा मेरे ख्याल से तो ना ठीक है नहीं करना चाहिए अगला बात मेरा ये है कि सोचिए नहीं करना चाहिए चलिए एक और क्वेश्चन है कि अभी दिवाली आ रहा है मान लीजिए कि हमारी राज्य सरकार दिवाली में फैसला करती है कि कोई भी मार्केट नहीं जाएगा जाएगा ही नहीं मार्केट तो क्या गवर्नर को इस बारे में इंटरफेयर करना चाहिए अगर शेड गवर्नमेंट बोले कि नहीं दिवाली में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि कोविड नेचुरली तो क्या गवर्नर को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कोविड का कहानी कोविड से है कि कोविड के कारण चाहती हैं कि कोविड ना फैले इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं निकलेगा दिवाली के दिन तो क्या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए ये सेकंड क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन फिर पूछेंगे ठीक है नहीं आ, नहीं करना चाहिए हमको ये बताइए कि एक कोविड गवर्नर बोलता है कि अरे तुम फेस्टिवल कैसे नहीं मनाने देगा के कोविड में खोल दो तो इस तरह का एडवाइस इस तरह का एडवाइस वो अगर देता है गवर्नमेंट को तो आप कौन सा इशू इसमें देखते हैं कि दिस इज नॉट गुड आप कौन सा ऐसा इशू इसमें देखते हैं कि ये ठीक नहीं गवर्नर कोविड को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ की और ये बोलता है कि तुम धर्म का मामले में इतना रिजिड मत बनो तो ये कौन सा आपको इशू दिख रहा है यहाँ पे? देखिए इसमें दो इशू है एक इशू आसान है आप लोगों के लिए बोलना कि गवर्नर जो होता है ही और इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सरकार चलाना तो तो मिनिस्ट्री का काम है एक बात तो यह है ना कि मिनिस्ट्री का काम है सरकार तो चलाना उसका काम है नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है केवल दूसरी बात क्या है ध्यान रखिएगा हम जो बोल रहे हैं ये आप लोगों को मतलब लिखने वगैरह में काम आएगा दूसरी बात क्या है ना कि अभी, अभी, अभी कॉन्शियस लैंग्वेज को छोड़ के बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी सेल नॉट बी ऑन डिफरेंट पर्सन अगर गवर्नर बोलता है कि खोल दो दिवाली में सब कुछ और खुलवा देता है और कोविड भी फैल जाता है तो दोष जो होगा वो पूरी तरह से दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर को तो हम लोग चाहेंगे कि जो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है ठीक है ना सुनते रहिएगा जिसके पास अथॉरिटी है वो ही अकाउंटेबल हो अब ये नहीं कि अथॉरिटी तो मेरे पास है लेकिन बट आई एम नॉट अकाउंटेबल क्योंकि तो गवर्नर को तो जा के वो असेंबली में तो जवाब देना नहीं पड़ता है कि हम ऐसा ऐसा किए हैं या कंट्रोल कर लिए हैं या वहाँ पर तो उसको सुनना नहीं पड़ेगा तो बात ये है कि जैसे जैसे चलिए एक, एक जस्ट थोड़ा सा जोकिंग वाला एग्जांपल ले रहे हैं घर में कुछ भी होता है आप देखेंगे तो आपके घर में कार्ड भी आता है ना तो मेल के नाम से इन जनरली आता है तो मेल के नाम से कार्ड आता है फादर फिगर जो भी है पापा या दादा या जो भी इन जनरल बात कर रहे हैं और लोगों की नजर में वो घर का हेड है लेकिन रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि हो सकता है कि उसकी वाइफ सारा का सारा कुछ अंदर अंदर कंट्रोल कर रही हो तो अकाउंटेबिलिटी तो हो जाएगा किसी और का ठीक और अथॉरिटी किसी और के पास तो केवल बात सुनने के लिए एक पर्सन ठीक लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो यही हाल यहां भी हो जाएगा तो ऐसा जो है ये नहीं होना चाहिए अथॉरिटी खैर इसका वैसे मत जोड़ लीजिएगा कुछ कुछ ऐसी तो आप समझाने के लिए बोल रहे थे तो ये जो है ये अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे गवर्नर के पास चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो जनता उसको चुनी भी नहीं है ना बात ये यह है यहाँ पे ये यह भी एक मुद्दा है कि जनता हम यहां पे चुने हेमंत सरकार की सरकार को जेएमएम की सरकार को तुम लोग सरकार चुनाओ और गवर्नर बोले नहीं हम चलाएंगे तो ये जनता का वोट का भी अपमान है ये ठीक जनता का वोट का अपमान है जनता गवर्नर को थोड़े चुनी है चलिए तो बात ये है कि लेकिन हमारे जो गवर्नर्स है आजकल ये बिल्कुल आ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बहुत आ, कोई गोल्डन एज था और स्वर्णिम दिन थे कांग्रेस के ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बर्बाद वहां भी थे बट बर्बादी का जो सीमा है वो बहुत नीचे चला गया है अब महाराष्ट्र का गवर्नर चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखता है जो मीडिया के पास पहुंच जाता है जो लेटर कि मंदिर खोलिए कोविड में मंदिर खोलिए ये आप जो है ये हमारे जो देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं को आप तो लॉक कर दिए हैं अरे आप तो आप तो सेकुलर बन गए ठीक ये सारे लैंग्वेज है अरे आप तो सेकुलर बन गए तो पहले तो आप हिंदुत्ववादी थे मंदिर वगैरह भी जाते थे अब तो आप सेकुलर बन गए तो ये जो है ये आ, लेटर लिखा गया है बड़ा शॉकिंग लेटर है शॉकिंग इस सेंस में है कि ये एक तो आप शासन जो चला रहा है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरी बात है ये सेकुलर आप मजाक में कैसे बोल रहे हैं हमारा देश सेकुलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है हमारा चीफ मिनिस्टर भले ही मंदिर जाए मस्जिद जाए गिरजाघर जाए लेकिन उसको सरकार चलाते समय वो ध्यान नहीं रखना पड़ता कि हम क्या हैं ठीक तो ये जो है ये बड़ा खतरनाक है और ये लेटर सर्कुलेट भी हुआ है तो ये महाराष्ट्र ये वही गवर्नर है जो गवर्नर देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह शपथ दिलवा दिए थे तो बहुत लो में गिरते जा रहे हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की ये गवर्नर है ये भी कुछ इसी तरह का काम कर रही है अब ये क्या है कि अच्छा आप लोग बताइएगा आप लोग बताइए कि असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली किस दिन से वो कन्वीन होगा ये कौन डिसाइड करता है किस दिन से कन्वीन होगा समनिंग का पूछ रहे हैं। समनिंग कौन डिसाइड करता है कि समनिंग किस दिन से होगा नहीं आप असेंबली अच्छा आप, आप से, मत यहां पे गवर्नर बोल रहे हैं ना हम लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहे थे तो आप प्रेसिडेंट लिखे तो गवर्नर हम समझ ले रहे हैं कि समनिंग का डिसीजन कौन लेता है हम ये पूछ रहे थे अच्छा दो तरह का आंसर मिल रहा है वन इज गवर्नर एंडदर इज सी तो अभी थोड़ा और देखेंगे आकांक्षा बोल रही प्रेसिडेंट हम गवर्नर समझ ले रहे हैं ताकि क्योंकि हम असेंबली का बात कर रहे हैं तो अभी दो आंसर है दो दो तीन लोग हो गए गवर्नर के साथ एक सीएम के साथ है फिर अभी एक आंसर आप चेंज कर दिए आप अभी बोल रहे स्पीकर पूजा बोल रहे स्पीकर देखते हैं देखते हैं प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम तो पहला बार होता है ना हम तो हर वक्त का बात कर रहे हैं प्रोटेम तो फर्स्ट टाइम होता है तो आपका हम आंसर स्पीकर समझ ले रहे हैं फिर मान लीजिए कि अभी तो हमारा झारखंड असेंबली का आपको बुलाना हो मान लीजिए नवंबर ट्वेंटी को तो ये डिसीजन कौन लेगा तो प्रोटेम नाम का को कोई चीज़ अभी है नहीं अच्छा गवर्नर गवर्नर, गवर्नर इस स्पीकर इस तरह के आंसर आ रहे हैं तो हम क्या अभी अपना आंसर दे दे कि कोई और बोलेगा देखिए मेरा क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या था और आप लोग कैसे नहीं हम क्वेश्चन ये नहीं था मेरा क्वेश्चन ये था केवल कि किस दिन असेंबली का सेशन शुरू होगा उसका डिसीजन कौन करता है इसका आंसर केवल सना सही दी है इट इज सीएम ठीक ये कैबिनेट डिसाइड करती है नॉट गवर्नर नॉट स्पीकर ये इनका अथॉरिटी नहीं है आप लोग बहुत भारी मिस्टेक किए हैं मतलब uh, मतलब इट इज ब्लंडर इस तरह के डिसीजंस जो होते हैं ये डिसीजंस कैबिनेट लेती है यानी सीएम आंसर सही होगा कैबिनेट लेती है नॉट गवर्नर बिल्कुल ही नहीं मतलब स्पीकर ना ठीक है समनिंग वर्ड सुनते ही अगर आप बोलते हैं कि समनिंग वर्ड जैसे समन तो समन करने पर गवर्नर ना हम तो बोलते तो डिसीजन कौन लेता है अब बात यह है डिसीजन तो हो क्या ये नोटिफिकेशन किसके नाम से निकलेगा कि ट्वेंटी नवंबर को असेंबली को समन किया गया है ये नोटिफिकेशन निकलेगा नोटिफिकेशन किसके नाम से यानी वो बोला जाएगा कि ये आदमी समनिंग किया है किसके नाम से नोटिफिकेशन निकलेगा क्या सीएम के नाम से निकलेगा या क्या होगा ठीक है ये जो होगा आ, ये गवर्नर के नाम से निकलेगा नोटिफिकेशन रिपीट कर रहे बात को कैबिनेट डिसीजन लेती है कैबिनेट ही लेती है लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में कैबिनेट डिसीजन ली एस्पेशल सेशन ऑफ असेंबली के लिए लेकिन वहाँ की जो अनुसूया उई के है गवर्नर उस फाइल को वापस कर दी ठीक दिस इज क्रॉसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ये भी एक मुद्दा हो, हो, हो गया है यहाँ पे कि आ, मतलब कि छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर कई सारे कंट्रोवर्सी हैं वी सी के अपॉइंटमेंट के लिए या शेड्यूल्ड एरिया किससे रिलेटेड या क्राइम से रिलेटेड कमेंट जो आता है गवर्नर का या जो आई ऑफिसर है उनका जो ट्रांसफ़र होता है ये सब सरकार का, का काम होता है वहाँ पर कर बोलती है नहीं ये मेरा भी इसमें रोल होता है तो जहाँ जहाँ पर नन बीजेपी सरकारें हैं वहाँ के गवर्नर उन सरकारों को ऐसे वैसे परेशान करना चाहते हैं ताकि कुछ बेनिफिट मिल जाए दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी ये अच्छा नहीं है जो कुछ भी हो रहा है अब ये जो कंप्लीट आर्टिकल है दोनों केसेज को समअप करके कोई लिखा हुआ है तो आप हरीश खरे तो आप इसको पढ़ेंगे ये अच्छा आर्टिकल है पढ़िएगा मतलब ये मीन्स में राइटिंग के काम आएगा आ, हमारे प्रधानमंत्री एक प्लेन खरीदे है बोइंग सेवन 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 जो सेवन फोर सेवन को रिप्लेस करेगा और इसका नाम होगा एयर इंडिया वन ठीक उसी तरह का है जैसा ट्रम्प का है आगे बढ़ते हैं मोदी मोदी मौ, मॉडल पढ़ लीजिएगा सरकार जो है सरकार किन किन बातों पे चल रही है वो सब लिखा हुआ है सरकार चाहती है हमारी सरकार कि महंगाई नहीं बढ़े ठीक हमारी सरकार है वो कैपिटलिस्ट लोगों का सपोर्ट करती है मतलब कुछ फीचर इसमें भी बताया हुआ है भानु प्रताप मेहता प्रताप भानु मेहता कि हमारी सरकार का क्या क्या फीचर है ठीक फिर सरकार और पूंजीपतियों का रिलेशनशिप बढ़िया रहने वाला है करप्शन का क्या तो करप्शन ट्रांजेक्शनल यहाँ पे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो सकता था स्ट्रक्चरल हो गया है ना कि ट्रांजेक्शनल स्ट्रक्चरल का मतलब ये हो गया कि ट्रांजेक्शनल का मतलब ये हो गया कि करप्शन करते हुए को दिख जाएगा कि ये परसेंट पैसा खाया इसलिए ऐसा ऐसा हुआ अगर स्ट्रक्चरल होगा तो नियम कानून ही कुछ ऐसे बना दिए जाएंगे कि किसी को फेवर हो जाएगा लेकिन उसमें आप ये नहीं प्रूफ कर सकेंगे कि ये यहाँ पे पैसा खाया गया है ठीक कानून ही कुछ इस तरह से कर दिए जाएंगे कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे या मतलब सिस्टम ऐसा होगा जिसमें कि वो प्रूफ नहीं होगा तो आ, और नेशनलिज्म का जो हवा है मतलब कि उसमें फिर हमारे एक हीरो भी तो चाहिए तो अंबानी और अडानी लोगों को हीरो बना करके रखा जाएगा ताकि लगे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है मतलब कुछ भी लोग तो आगे बढ़े जाए पढ़ने से समझ में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारी एक सब आर्टिकल पॉलिटिकल आर्टिकल्स है कैसे पार्लियामेंट का पतन हुआ है ये इसमें है कि पार्लियामेंट को नेचुरली पॉलिटिकल न्यूज है तो सरकार का क्रिटिकल ही होगा तो कैसे हमारी पार्लियामेंट का पतन हुआ है वो इसमें है तो पार्लियामेंट का पतन कैसे हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री हर साल मतलब छह साल में बाईस बार पार्लियामेंट में बोले हैं छह साल में बाईस बार अटल बिहारी वाजपेयी सिक्स इयर्स में सतहत्तर सेवनटी सेवन टाइम्स बोले थे मनमोहन सिंह सिक्स ईयर में फोर्टी एट टाइम्स बोले थे तो पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते ज़्यादा। पार्लियामेंट डिबेट का जगह है वहां बोलने से क्रिटिसिज्म होता है बातें उठती है क्वेश्चन होता है तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं सीधे जनता से बात करते हैं नॉट वो पार्लियामेंट्रियन सीधे सीधे जनता से तो जनता से जब बात करते हैं तो जनता से वापस बात जो होता है वो नहीं हो सकता पार्लियामेंट में तो उधर से भी होता है तो उससे बच जाते हैं क्योंकि जनता से मन की बात करते हैं जनता का, का बात तो सुना ही नहीं पड़ता है तो इस तरह से हमारा जो ओ, मतलब हम इस सरकार का जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में है क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं बोलने से ही प्रूफ होता है दूसरी बात क्या है कि सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस रूट से काफी काम कर रही है जबकि मेजोरिटी है फिर भी ऑर्डिनेंस काफ़ी लाती है अगर ऑर्डिनेंस का बात करें तो एवरेज जो है मनमोहन सिंह की सरकार सिक्स ऑर्डिनेंस लाती थी एक साल में तो मोदी सरकार ग्यारह ऑर्डिनेंस लाती है ऑर्डिनेंस इज़ अ रूट टू बाईपास पार्लियामेंट ये सब डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है फिर क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को आपको ये सब पढ़ा चुके हैं सुनते समझ जाइएगा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को जो दिया जाता है किसी बिल पर डिबेट करने के लिए ये काफ़ी कम हो गया है ये फिफ्टींथ लोकसभा में सिक्सटी एट परसेंट था सिक्सटी एट सिक्सटी एट बिल्स को या सेवेंटी वन परसेंट बिल जो थे सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द बिल वेंट टू कमिटीज जबकि जबकि थ लोकसभा में केवल 25 फाइव परसेंट बिल जो कमेटी को गए और 1920 में इस साल एक भी बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं गया है तो इस तरह से बाईपास कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में भाषण नहीं दे रहे हैं क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है बाईपास ऑर्डिनेंस ला रहे हैं बाईपास कमिटीज को नहीं सौंप रहे हैं बाईपास और बचा खुचा कसर पार, पार हो जा रहा है जब कोई कोई बिल है उसको मनी बिल ला करके और पास करा दिया जा रहा है जो मनी बिल नहीं है उसको भी फिर बाई पास और अगर और भी कुछ बचा तो बिल जो मेंबर्स को दिया जाता है पढ़ने के लिए ताकि वो बहस कर पाए वो इतना लेट दिया जाता है ताकि उसमें बहस ना हो और टाइम कम एलोकेट किया जाता है ताकि ये आसानी से पास हो सके तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे कि पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है आरटीआई, आरटीआई जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये बना था टू थाउजेंड फाइव में इसमें सरकार से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंफॉर्मेशन लेना भी आर्टिकल नाइनटीन के तहत आर्टिकल नाइनटीन के तहत ये फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल नाइनटीन में बोला जाता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने का लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं, नहीं इसका मतलब जानने का भी है जाने का नहीं तो बोलेगा कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये लॉजिक था कि जाने का नहीं तो बोलेगा कैसे इसलिए जानना भी राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है तो आ, हर साल करीब करीब सिक्सटी लाख एप्लीकेशन आते हैं आर में और ज़्यादातर जो अपलिकेशन होते हैं मतलब जो सूचना मांगी जाती है वो गरीब लोगों द्वारा मांगी जाती है मनरेगा के बारे में राशन के बारे में तो इस तरह से मामले सामने आते हैं सामने आने के बाद जनता को पता चलता है और गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है लेकिन इन दिनों आरटीआई को कमज़ोर किया गया है तो आरटीआई को कमज़ोर करने का हम यहाँ पे पढ़ाए हैं आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आरटीआई को हमारी सरकार किस तरह से कमज़ोर कर दी है आप लोगों से पूछ रहे हैं अगर किसी को याद है तो बोलिएगा नहीं तो फिर हम दिखा देंगे एक साल के अंदर अंदर में आर के बारे में बात उठा था कि इसको कमज़ोर कर दिया गया है थोड़ा पुराना बात हो गया मेरे ख्याल से आपको नहीं याद आएगा देखिए आर टी एक्ट के थ्रू जो इंफॉर्मेशनर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं हाँ ये तो खैर है ही ये तो ये तो आ, आप जब बोले आ, सनी ये आ, आ, ये आउट ऑफ वे टाइप का है स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए गए हैं जो इंफॉर्मेशनल कमिश्नर है इनका टेन्योर फिक्स हुआ करता था एक और उनकी सैलरियाँ फिक्स होती थी अभी सरकार टेन्योर फिक्स करने का काम अपने हाथ में ले ली है कि रूल बना करके करेंगे और सैलरी भी जो होगा वो सैलरी भी वो खुद फिक्स करेगी तो ये जो होगा इनका सैलरी और टेन्योर खतरा में डाल दी पहले मतलब कि अगर तुम ज़्यादा जै होता क्या है कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट से मांगे इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो नहीं मिला तो इन्फॉर्मेशन कमीशन को हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो हम इसको लिखेंगे एप्लीकेशन कि हम हम इससे मांगे थे डेटा जैसे आरबीआई से और आरबीआई तो हमको दिया नहीं तो इन्फॉर्मेशन कमीशन बोलेगा आरबीआई को कि डेटा दो ये ये इंफॉर्मेशन जो आर एक्ट है तुम उसके दायरे में हो और डेटा दो इसको तो पहले क्या था अगर वो डेटा देने के लिए बोलता है तो उसका टेन्यर भी फिक्स है सैलरी भी फिक्स है अब क्या है इसका टेन्यर और सैलरी गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है तो कोई भी डरेगा कि सरकार के खिलाफ में अगर कोई डेटा निकलने वाला है तो वो वो बोलने से उसका सैलरी और टेन्यर खतरे में आ जाएगा तो एक यहाँ पे एक कमजोर कर दिया गया है वो एक कमजोरी यहाँ पे दूसरा बात ये है क्या है कि जो वैकेंसियाँ आ रही हैं ना जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में उस वो वैकेंसियाँ भरी नहीं जा रही हैं तो कुल मिला के ग्यारह का स्ट्रेंथ है तो एक ग्यारह के स्ट्रेंथ में अभी वो वहाँ पे सिक्स वैकेंसी हैं वहाँ पर तो वैकेंसियाँ अगर नहीं रहेंगी वैकेंसियाँ रहेंगी तो जो काम इनका होगा जो अप्लीकेशन आएंगे उनको कौन डील करेगा कि कोई बोलेगा कि अरे ये डिपार्टमेंट उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटा नहीं दिया रेलवे मिनिस्ट्री डेटा नहीं तो डील कौन करेगा तो वो वैकेंसी रहने दी जा रही है फिर हो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटर को देख रही है कि अरे ऐसा हो रहा है तो हम भी करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो वैकेंसीज को रहने दे रही है फिल नहीं कर रही है और कई जगह में अब इंफॉर्मेशन कमीशन डिफॉल्ट हो चुके हैं तो ये सब प्रॉब्लम है पहले स्टेच्यूटरी प्रोटेक्शन हुआ करता था फिक्स टेन्योर लेकिन वो खत्म कर दिया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिटरमाइन करेगी टेन्योर और सैलरीज ये एक प्रॉब्लम आ गया अपॉइंटमेंट करना बंद कर दिया गया है तो ये 2014 से एक भी इंफॉर्मेशन कमीशन जो इंफॉर्मेशन uh, कमिश्नर है एक भी बिना इंटरफेरेंस के मतलब कोर्ट में जाने के बाद कि देखिए ना सरकार कर नहीं रही है अपॉइंट करवा दीजिए तो कोर्ट बोलिए तो अपॉइंट हुआ मतलब ये सरकार आने के बाद एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर सरकार अपना मन से नहीं अपॉइंट किए बिना प्रेशर के ठीक अभी एलेवन में से सिक्स लोग ही काम कर रहे हैं सात अभी भी खाली है ठीक और अभी कोई उसका हेड ही नहीं है ठीक है छह साल में पांच बार ऐसा हो गया जबकि इंफॉर्मेशन कमीशनर का कमीशन का कोई हेड नहीं है स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही कर रही है हालत यह है हमारे यहां भी कि त्रिपुरा और झारखंड में मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है मतलब यहां की अगर कोई डिपार्टमेंट को आप मांगते हैं डेटा कि डेटा दो और डेटा नहीं देता है तो आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो ये है हालत तो चलिए दो न्यूज और कवर कर लेते हैं आ, इस आर्टिकल में आपको ये दिखेगा कि पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल कैसे एलोकेट किए जाते हैं तो सिंबल पहले होते क्यों हैं किसी का पंजा छाप किसी का कमल छाप क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी ज़्यादा है बहुत लोग नाम नहीं पढ़ सकते कि कैंडिडेट का नाम तो वो वो फोटो देख करके वो स्टम्पिंग कर सकते हैं इसीलिए यहाँ पे होता है तो बात यह है कि कैसे एलोकेट करते हैं तो जो रजि जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं मतलब जैसे बीजेपी कांग्रेस इस तरह की पार्टियां इनके सिंबल जो होते हैं वो रिजर्व सिंबल्स होते हैं किसी को नहीं दिए जाते उसी तरह जो स्टेट पार्टियां हैं जैसे आप इनके भी सिंबल्स रिजर्व होते हैं वो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर वो सिम्बल किसी और को नहीं दिया जाएगा और अगर वो दूसरे जगह भी फाइट करते हैं जहाँ पर वो रिकॉग्नाइज नहीं है जैसे आप जो है झारखंड में फ़ाइट करती है तो वो उस सिंबल के लिए क्लेम कर सकती है जो उसका रिजर्व सिंबल है और बाकी जो सिंबल्स है वो करीब 200 ऐसे सिंबल जो फ्री हैं जो कैंडिडेट ऐसी पार्टियों से हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है या इंडिपेंडेंट उनको 200 सिंबल में से बोला जाता है तीन चुन लीजिए कोई भी तो वो तीन चुनते हैं उनमें से अगर वो खाली होता है उस जगह पे तो उसमें से कोई एक सिंबल जो होता है वो दे दिया जाता है जो पहले क्लेम करता है उसको पहले मिलता है तो ये तरीका से सिंबल्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं नेक्स्ट है कि आ, जो एलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शंस में सीलिंग होता है कि कोई कितना खर्च कर सकता है पहले जब ये सीलिंग्स नहीं थे ना तो लोग बहुत खर्च करते थे अभी सीलिंग्स हैं तो सीलिंग्स हैं तो खर्च करने का लिमिट है तो लिमिट है तो सरकार अभी इस बार बिहार इलेक्शन से ठीक पहले टेन परसेंट की है एक्सपेंडिचर uh, में जैसे कि uh, पहले ट्वेंटी एट लाख असेंबली इलेक्शन में खर्च कर सकते थे अब थर्टी पॉइंट एट लाख हो गया बिहार का बात कर रहे हैं और अगर बिहार में लोकसभा का इलेक्शन होता तो पहले सेवेंटी था अब सेवेंटी लाख हो गया कहीं कहीं पे चेंजेस डिफरेंट है आ, जैसे अगर सिक्किम आ, और छोटे छोटे जो राज्य अरुणाचल प्रदेश गोवा यहाँ पर अभी लोकसभा के लिए जो है ये फिफ्टी फाइव लाख से करीब ऐसे ही होगा फिफ्टी फाइव लाख से बढ़ा करके अराउंड सिक्सटी लाख कर दिया गया है और ट्वेंटी से असेंबली इलेक्शन के लिए ट्वेंटी से ट्वेंटी टू लाख कर दिया है यानी कि इलेक्शन जो है का एक्सपेंडिचर का लिमिट सरकार बढ़ाई है कोविड के दौरान कोविड को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ही रिकमेंडेशन दिया था कि इसको बढ़ाया जाए लेकिन सरकार जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कोविड रिलेटेड है यानी फ्यूचर में कोविड खत्म होने के बाद प्रवाद भी प्रोबेबली एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ा का बढ़ा ही रह जाएगा तो आज का हम इतना कवर किए किसी को कुछ पूछना देखिए थोड़ा आज इस बार न्यूज़ ज़्यादा है पढ़ने का आदत डालिए पढ़िए ध्यान से आ, हमको पता है करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बोझिल हो जा रहा है लेकिन आ, काम आएगा काफ़ी प्री में जो काम आएगा आएगा वो तो आएगा ही आएगा लेकिन आ, प्री क्रॉस करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा आपको लगेगा कि यूजफुलनेस इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और उस समय अचानक से तीन महीना चार महीना का ड्यूरेशन में तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सारा का सारा कुछ कवर कर लेंगे तो आप पढ़ने का आदत डालते रहिए अच्छा रीडर बनेंगे तो अच्छा राइटर भी बनेंगे अच्छा लिख भी पाएंगे अच्छा पहले अच्छा राइटर बनने के लिए अच्छा रीडर बनना पड़ता है और अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर बनना पड़ता है तो पढ़ाई कीजिए किसी कुछ पूछना है हाँ, अभी हम नहीं बोल पाएंगे अनिमेश टेस्ट टाइम लगेगा बार हम थोड़ा बिजी कर लिए अपने आप को तो साइकोलॉजी का चक्कर है तो आ, ऐसा उम्मीद रखिए कि अगला बार अगला वीक थर्सडे से पहले तो कोई उम्मीद नहीं है होने का थर्सडे तक उम्मीद कीजिए अभी तो, तो अभी तो तीन क्लास लिए हैं अभी तो दो क्लास बाकी ही है लेना उ, अभी एक क्लास हम संडे को ले लेंगे संडे को इसके बाद आप लोगों को हम संडे को मिल रहे हैं इसके बाद और संडे के बाद फिर देखते हैं वेडनेसडे ही हो पाएगा दो क्लास फिर अगर वेडनेसडे ख़त्म हो थर्सडे को टेस्ट ले लेंगे ठीक है आप लोग थर्सडे अब पढ़ते रहिए क्योंकि आ, हम गैप नहीं देंगे ऐसा नहीं है कि गैप देंगे आ, मतलब जिस दिन खत्म होगा पोर्शन उसका नेक्स्ट डे आप लोग टेस्ट ले लेंगे नहीं कल नहीं होगा क्लास जिस दिन खत्म होगा उसका नेक्स्ट दिन नहीं ले लेंगे मतलब क्योंकि गैप्स तो अभी बीच में हम काफी दे दे रहे हैं तो गैप्स का उम्मीद मत कीजिएगा मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास में नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है थोड़ा टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट का फर्क होगा ऐसा नहीं है कि काफी बड़ा है हम ऐसे भी तो आ, ये करते ही है ना बार बार रुक जा रहा लगता है हम तो ऐसे भी फाइव क्लासेस लेते ही है तो इस बार भी फाइव क्लास ही होगा तो थोड़ा ये है मतलब टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट का फिफ्टीन परसेंट का फर्क होगा क्लोज करें फिर